तो जैसा कि आपको पता होगा कि मारुति और टोयोटा के बीच में लोगो चिपकाने की कोलैबोरेशन हो रखी है, तो उसी लोगो चिपकाने के कोलैबोरेशन के चलते मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स बन चुकी है टोयोटा टेजर। वैसे इस कार का पूरा नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर। चलिए आज बात करते हैं टोयोटा टेजर की और जानते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर लुक। तो फ्रंट में इसमें हमको DRS देखने को मिलती है जो कि फ्रॉन्क से टोटली ही अलग है, और इसमें हमको हनीकॉम ब्लैक ग्रिल देखने को मिलती है, हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ में विगेटा पियानो ब्लैक एंड क्रोम फिनिशिंग दैट लुक्स सुपर कूल। इनसाइड लुक्स विगेटा 16 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील्स एंड रूफ रेल्स, इन रियर व्यू विगेटा कनेक्टेड टेल लैम्प एंड कूपे डिजाइन दैट लुक्स गुड एंड विगेटा स्पॉइलर एंड रिफ्लेक्टर। इन टोयोटा टेजर विगेटा 190 mm ऑफ ग्राउंड क्लीयरेंस एंड 308 liter ऑफ बूट स्पेस, दैट इज क्वाइट सिमिलर एज फ्रॉन्क्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये गाड़ी हमारी कितनी जेब ढीली कराएगी। तो टोयोटा टेजर का स्टार्टिंग प्राइस है कुछ 7,70,000 रुपए एक्स शोरूम से लेकर 13 लाख रुपए, और इस गाड़ी में हमको 12 वेरिएंट देखने को मिलते हैं और 8 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक एक करके सब कलर ऑप्शन के लुक्स दिखाता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो कमेंट करना कि कौन सा कलर इस गाड़ी पे सबसे ज्यादा जच रहा है। तो अब बात कर लेते हैं टोयोटा टाइजर के इंजन ऑप्शन के बारे में। तो इसमें हमको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 88 हॉर्स पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालेगा। दूसरा इंजन, इसमें हमको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि अप्रॉक्स 100 हॉर्स पावर निकालता है और 150 Nm का टॉर्क निकालता है। टर्बो पेट्रोल इंजन में इसमें हमको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। फीचर्स की बात कर ले तो इस गाड़ी में हमको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, और साथ में इसमें हमको हेडअप डिस्प्ले, 360 कैमरा और वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इस गाड़ी में हमको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। फ्रंट पैसेंजर के लिए इसमें हमको कप होल्डर देखने को मिलते हैं, डोर्स पे सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, और ड्राइवर साइड की तरफ हमको सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। रियर पैसेंजर के लिए इसमें हमको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, रियर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और टोयोटा टेजर में हमको थोड़े मोड़े ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, और शायद फ्रॉन्क्स की तरह इसमें भी हमको 5-स्टार रेटिंग सेफ्टी देखने को मिल सकती है। तो आप कमेंट करना कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद है। तब तक के लिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तब तक के लिए बी सेफ, बाय बाय।